समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में एक टॉपिक है कुछ महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ठीक है। देखिए, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक। स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो इससे भी यूपीपी में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 40 क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर, पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। 2018 में जो यूपीपी की वैकेंसी आई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था जीएस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही। अब यहाँ से देखो दो प्रश्न बनते हैं। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा, पहला तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि मनसबदारी प्रथा किसने चालू किया या दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, तो की थी अकबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की स्थापना रामानुज ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो सभी को पता है गुरु नानक देव ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। अरे क्वेश्चन बताइए, गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनी है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, किस देश में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, तो महावीर स्वामी ने किया था जैन धर्म की स्थापना, ठीक है। देखिए यूपीपी वाले बच्चे जो है यूपीपी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तैयार रखना है, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा इससे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया था, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिजरी संवत, तो ये हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक, हजरत मोहम्मद थे, ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया था, ठीक। चलो 10 नंबर का देखते हैं। 10वें नंबर पर है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। सोचिए पीसीएस लेवल का, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जतुष्ट, ठीक है। अगला है संघ सम्मत की स्थापना किसने किया था, तो ये कनिष्क ने किया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन की स्थापना किसने किया था, वो तो गौतम ने किया था, ठीक है, शायद मैं बता रहा हूँ गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन, तो इसके संस्थापक कौन थे, महर्षि कराड़ थे, ठीक है। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, आरओ में, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि कपिल जी हैं, ठीक है, ये 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16 सभी को पता होगा, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। ठीक है, पतंजलि के फाउंडर कौन है? तो बाबा रामदेव। ठीक है, बाबा रामदेव है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीमांस दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि जैमिनी। ठीक है, देखिए चिन्हार जी ने कहा जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएससी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की कर रहे हो, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की, ठीक है, दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो थे स्वामी विवेकानंद थे। ठीक, देखिए पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, बट धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा, बट आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी यूपीपी में पूछा गया था। ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ये 49,568 की वाली वैकेंसी में पूछा गया था यूपीपी में। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो श्री गुप्त थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, एक बात बताइए कमेंट में कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये सभी को पता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर व बुक्का, ये दो भाई थे। ठीक, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक, और एक बात बताइएगा, ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेटी ने किया था सती प्रथा का अंत। ठीक है, चलो आगे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने किया था उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसके थे? महात्मा गांधी के थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, ये पहला आंदोलन इनका था चंपारण। चलो अगला क्वेश्चन है हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, एक ऑप्शन पहला मैं मानता हूँ महात्मा गांधी है, दूसरा ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर है, और तीसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूँ कोई ऐसी पार्टी, मतलब ऐसा ही नाम ले लेता हूँ जो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे होते हैं, तो जब अगर हरिजन संघ की स्थापना में पूछ लेगा, अगर ऑप्शन दे देगा भीमराव अम्बेडकर, तो बहुत से बच्चे इसको दो नंबर पर टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन डाउट वाला है, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब इसमें अगर दे देंगे सुभाष चंद्र बोस, बहुत 100% बच्चा इसी पर मारेगा जबकि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो जी, भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। इस बार की लखनऊ LLB में पूछा गया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट
अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाला हरदयाल। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर इसमें इसमें पूछे जा रहे हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका नाम आप लोग कहाँ पर है उस राज्य का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन। ठीक है, अब बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या इसके संस्थापक कौन थे? तो वो वल्लभ भाई पटेल थे। अभी जी ध्यान रखना, यहाँ पर अगर दो ऑप्शन दे दें, मैं दो ही ऑप्शन ले रहा हूँ, एक मिनट, पहले ऑप्शन और दूसरा, पहले में दे देगा महात्मा गांधी, पहले में दे दे महात्मा गांधी, दूसरे में दे देगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बहुत सा बच्चा पहला ठीक करेगा, उसको लगेगा बारदोली आंदोलन है मतलब महात्मा गांधी आंदोलन का ज़्यादा चलाते थे इसी वजह से महात्मा गांधी होगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था अरविंद घोष ने। यह क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप जो बीए में हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला होगा, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण था वो शाहजहां ने किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दास प्रथा का उन्मूलन ये अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की किसकी देन थी? तो ये इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में तब पूछा जाएगा जब एग्जामिनर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन उठाता है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो श्रीमती कमला देवी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम एन राय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात ध्यान, ये जीके की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन थे? वो पाणिनि थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य की स्थापना किसने किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। ठीक है, तो गाइस लगभग 48 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाई लेवल का एग्जाम होगा तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, नॉर्मल्स में तो दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो यूपीपी वाले बच्चे हैं, यूपीपी वाले बच्चे इसको जरूर देखेगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अच्छे से इसको तैयार करना। ठीक, बाकी जितने लोग भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। ठीक है, और ये चीज़ें ध्यान रखना कि यूपीपी में जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ठीक है, उन सब पर हम वीडियो लाएंगे। ठीक, और वीडियो को बारी बारी से देखिएगा, एक बार नहीं तीन बार देखिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इस यूपीपी में
जीके में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें सारे पता, हम सभी टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप मैथ मैथ हिंदी और रीजनिंग, इसका हम प्रैक्टिस ले लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।